तहसील मंडी के वजली गगड़िया इलाके में एक 3 मंजिला रिहायशी मकान शबाना आतिशजदगी में खाकस्तर हुआ है। सरकारी ज़राया की जानिब से जो जानकारी फराहम की गई है उसके मुताबिक जुम्मा और सनीचर की दरमियानी शब में 1 से 1.5 बजे के करीब इस मकान में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिस पर काबू पाने के लिए जिसे बुझाने के लिए वहां के मुकामी लोगों ने हतुलवसा कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहे और देखते ही देखते इस मकान में आग इस कदर भड़की कि ये मकान जलकर खाकस्तर हुआ। ज़राया की जानिब से बताया ये जा रहा है कि इस 3 मंजिला मकान में कुल 6 फैमिलीज़ रिहाइश पजीर थी, जिनमें से 1 फैमिली आग की वारदात के वक्त मौजूद थी, जबकि 5 दिगर फैमिलीज़ अपनी ढोक में थी। वहीं ऑफिशल्स की जानिब से इन 6 फैमिलीज़ के हेड ऑफ़ दी फैमिली मेम्बर्स की शनाख्त करवाई गई है। मुश्ताक अहमद, अब्दुल हमीद, गुलजार अहमद, सनजाफ समद भट, हबीबुल्ला अली भट, सनजाफ रहीम भट, अब्दुल मजीद सनाफ गुलाम मोहम्मद भट। और ये बताया गया है स्टेशन हाउस ऑफिसर मंडी की जानिब से कि पुलिस की एक टीम मौका पर भी पहुंची थी, एक्सेस किया गया, एग्जामिन किया गया। इस वारदात में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि 3 मंजिला मकान और उसमें 6 फैमिलीज़ का सामान मिलाकर काफ़ी माली नुकसान हुआ है। उन्होंने ये बताया है कि इस ज़िम्मे में पुलिस ने एक रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली है।